अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम EDU 516 टीचिंग ऑफ इंग्लिश का ग्रैंड क्विज का सोल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भी मत भूलें। सबसे पहले हम से यूज़ था स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन स्पेस एंड स्पेस ऑफ पर्सन, इट बेस्ड ऑन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ पर्सन। उससे नेक्स्ट था साइलेंट रीडिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू डिवेल्प, इसमें कॉन्सेप्ट डिवेल्प करता है कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग और ऑल ऑफ अबव। आपका जो ग्रैंड क्विज था वो 40 MCQ उसके ऊपर था और आपकी जो वीडियो की एक्सटेंशन है कॉपी पेस्ट वाली वो भी काम कर रही थी। उससे नेक्स्ट स्पेस इज अबाउट रिपीटिंग व्हाट इज दी टेप एंड यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन सेम मैनर, तो इसमें हमारे पास मिरर एक्सरसाइज इसमें सूटेबल ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट स्पेस इज अ यूजफुल एक्सरसाइज टू नेबल स्टूडेंट टू लुक फॉर अनदर सिमिलर वर्ड, तो इसमें मैच दी वर्ड सूटेबल ऑप्शन है। इन स्पेस द स्टूडेंट्स टेंड टू फोकस मोर ऑन व्हाट अदर्स आर सेइंग, तो इसमें पीर असेसमेंट सूटेबल ऑप्शन है। नरेटिव राइटिंग इज लाइक टेलिंग अ स्टोरी, इसमें टेलिंग अ स्टोरी सूटेबल ऑप्शन है। दिस स्पेस शुड बी रेलिवेंट टू व्हाट द स्टूडेंट्स हैव बीन थॉट, तो दी असेसमेंट शुड बी रेलिवेंट, इसमें असेसमेंट सूटेबल ऑप्शन है। स्पेस आर यूजली रिटन इन डायरेक्ट स्पीच, तो डायलॉग्स जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं। इन स्पेस टीचर्स नीड्स टू यूज़ लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, प्रैग्मेटिक्स टीचर को ज़रूरी होता है अपना प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बनाने के लिए, तो प्रैग्मेटिक्स सूटेबल ऑप्शन। स्पेस राइटिंग हैव डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड, फॉर्मल डेफिनेशन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन बी स्पेस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। विच टाइप ऑफ टेक्स्ट इज सिमिलर टू डिबेट्स, आर्गुमेंटेटिव, जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हैं वो डिबेट्स के जैसे होते हैं। करेक्टर्स कैन बी बिल्ट बाय ऑब्जर्विंग द करेक्टर्स, इसमें सूटेबल ऑप्शन है। ओपन दी विंडो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में ओपन दी डोर की एग्जाम्पल दी हुई थी, तो ओपन दी विंडो भी सिमिलर ही है, तो इम्पेरेटिव इसमें सूटेबल ऑप्शन है। इनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज सूटेबल ऑप्शन। दी असेसमेंट क्राइटेरिया शुड बी फेयर, फेयर इसमें सूटेबल ऑप्शन है। स्पेस इज़ लाइक चेन बिल्डिंग एक्सरसाइज, पीर असेसमेंट इज़ लाइक अ चेन बिल्डिंग एक्सरसाइज, इसमें पीर असेसमेंट सूटेबल ऑप्शन है। स्पेस इज़ द मोड और द मैनर इन विच अ सेंटेंस इज सेड और रिटन, तो मूड इज़ द मोड, इसमें मूड सूटेबल ऑप्शन है। स्पीकिंग टाइम इज़ इम्पोर्टेंट इन जजिंग द स्पेस ऑफ द लैंग्वेज, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज, एक्यूरेसी इज़ द सूटेबल ऑप्शन। इन ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशन इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट, ज़ीरो कंडीशंस में जो है रियल वर्ल्ड में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो किए जाते हैं, तो इसमें साइंटिफिक फैक्ट सूटेबल ऑप्शन है। द थिंग्स यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स टू क्लैरिफाई मीनिंग इज पंचुएशन, पंचुएशन जो हैं वो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए कॉमास वगैरह लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो द पंचुएशन इज़ द सूटेबल ऑप्शन। द टाइम गैप दैट वी गिव वाइल टॉकिंग इज कॉल्ड इलियन, द इलियन इज़ द सूटेबल ऑप्शन, व्हेन वी टेक द टाइम गैप वाइल टॉकिंग विद ईच अदर। पर्सनल रिस्पॉन्सिस कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड वाइल द टेक्स्ट और पैराग्राफ इज लिंक्ड टू वन अनदर इज द सूटेबल ऑप्शन। द क्राइटेरिया ऑफ मार्किंग इज गिवन टू द क्लास इन पीर असेसमेंट इज द सूटेबल ऑप्शन। नादिया वांट टू डिवेलप हर सेल्फ प्रोफेशनली, फॉर दिस शी मस्ट गो फॉर आ ग्रुप वर्क इज द सूटेबल ऑप्शन। इन स्टोरी विदाउट एन एंडिंग द टीचर डजेंट प्रोवाइड द लास्ट पैराग्राफ, टीचर जो है वो लास्ट पैराग्राफ नहीं प्रोवाइड करता जब वो कोई स्टोरी दे रहा होता है विदाउट एन एंडिंग, द लास्ट पैराग्राफ इज द सूटेबल ऑप्शन। स्पेस वर्ड्स आर बेटर ऑब्जॉर्ब्ड बाई द स्टूडेंट्स, फैमिलियर वर्ड इज द सूटेबल ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज हेल्प डिवेलप द स्किल फॉर लुकिंग फॉर वोकैबुलरी इज द सूटेबल ऑप्शन। क्लोज रीडिंग इज रिलेटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ बेटर राइटिंग स्किल इज द सूटेबल ऑप्शन फॉर क्लोज स्टडी। स्पेस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच टू टीच अ सेकेंड लैंग्वेज, ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच इज द सूटेबल ऑप्शन। ट्रांसलेशन जो है वो एक गुड अप्रोच नहीं है सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कैन स्पेस द स्टूडेंट्स, कैन मोटिवेट द स्टूडेंट, मोटिवेट इज द सूटेबल ऑप्शन।
विजुअल लर्नर्स आर ग्रेटली हेल्प्ड बाय साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर विजुअल लर्नर्स. एनी काइंड ऑफ अकेडमिक राइटिंग इज़ फॉर्मल. फॉर्मल इज़ द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर अकेडमिक राइटिंग. इन ऑर्डर टू लेट द कन्वर्सेशन फ्लो द टॉपिक मस्ट बी इंटरेस्टिंग इनफ टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स टू स्पीक इन पेयर वर्क. Peer work is the best suitable option when the topic is very interesting and student want to converse flow with each other. So peer work is the best suitable option for this. If a student has to write an essay on my school, which of the following heading should not include? माय स्कूल के बारे में अगर आपने लिखना है उसमें आप लोकेशन बताओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, टीचर और स्टूडेंट्स का बताओगे, लेकिन वेडिंग सेरेमनी का नहीं बताओगे. तो वेडिंग सेरेमनी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माय स्कूल ऐसे. So in the given scenario, wedding ceremony is the best suitable option. Type of text we should be written inverted commas is dialogue. जो dialogues हैं वो inverted commas में लिखे जाते हैं, separate किए जाते हैं. So for inverted commas, dialogue is the suitable option. Opinion of both or more parties should be included in the space writing in dialogue writing. Dialogue is the suitable option, which we give our opinion between two parties. Feedback should be space. Feedback should be immediate. Sooner the better. Instant. Show all of the given option is the suitable. So all of the above is best for feedback. In spoken English, him and blah blah are used to show. It means when we talk with our friends or relatives, then we use such words as say blah blah. So this is show our emotions. So emotions is the suitable option in the given scenario. This is the grand quiz of today. I hope that you can understand this. If you have any question, without any hesitation, you can ask me in comment section. If you like this video, then please subscribe my channel and share to your friends so they also take the clue and take the grand quiz quickly. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.